ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, क्या नजारा है। और ये सामने इस गुफा के अंदर हम लोग जाएंगे। ये नजारा देखिए भाई, ऊपर पहाड़, बीच में पानी। जा जा आगे आगे, पास पास। कितनी मशक्कत और मेहनत से हमारे दोस्त चढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वहां से आए भाई, वहां से यहाँ पर आते 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 हम यहाँ। दोस्तों आपने कुरान की आयत तो पढ़ी होगी, फभी अय्याला रब्बुकुम आतुकज़िबान, आपने रब की कौन कौन सी नेमत झुठलाओगे। यहाँ पर बैठते हैं लोग, मैगी वगैरह आपको जो खाना है पानी के बीच में, अगर आप मैगी वगैरह खाते हो तो यहाँ पर बैठ के आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं अभी देहरादून में हूँ, जो उत्तराखंड की एक कैपिटल सिटी है। और इसके अंदर आज मैं आपको एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कराने वाला हूँ ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा अल्टीमेट है ना, वो कोई इंसान द्वारा नहीं बनाई गई, वो नेचर से बनी हुई है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि मतलब ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। उसको दो नाम उसके हैं, एक नाम है उसका गुच्छू पानी और एक है उसका रॉबर्स कैव। नॉर्मली रॉबर्स कैव है, लेकिन यूजली जो लोकल लोग हैं वो गुच्छू पानी ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है मैं आज आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये उसका गेट है, एंट्रेंस जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसका एंट्रेंस गेट है। ये कुछ अलग ही बना हुआ है भाई, इसके मुँह में घुसो और आगे निकल जाओ। ये सामने एंट्री टिकट है, ये हमने पता कर दिया, 3500 रुपये पर पर्सन इसका टिकट है, 35 रुपीज़ फॉर वन पर्सन, ठीक है। हम लोग चार हैं तो हम चार टिकट लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे यहाँ से एंट्री, ठीक है। ये पानी जा रहा है नॉर्मली, मतलब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर अंदर पानी आता है, पहाड़ है और उसके फिर बीच में से हमें निकल के जाना पड़ता है, कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है मतलब। तो ये पानी वहीं से आ रहा है, ठीक है। ये रोबर्स कैफ का बोर्ड लगा हुआ है और सामने एंट्री है, तो जल्दी से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं और आपको और कुछ दिखाते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो फैज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं लाइक शेयर फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं व्लॉग में अंदर। भाई लोग, क्या मतलब क्या फील आ रहा है अंदर, कैसा मजा आने वाला है? मजा आ रहा है, मजा। एक ही करके बताएं कमेंट में, पहले अल्टीमेट फीलिंग है, बस थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा अजीब लगा। क्यों थोड़ा सा क्यों अजीब लगा? अरे वो एक्चुअली दोबारा लौट के आने वाला है ऋषिकेश से, राफ्टिंग के चक्कर में शिवपुरी से, तो वो थोड़ा सा 20 किलोमीटर का हैंगओवर है। ओके, बाकी आप कुछ बोलोगे? आप वैसे की तरह साइलेंट साइलेंट कुछ तो बोलो। बढ़िया लगा। क्या लगा? अभी तो गए भी नहीं है। हाँ, बस वैसे ही रात। और आप सर? बस एक्साइटमेंट है जाने का, कैसा है कैसा। क्या सोच रहे हो मतलब अंदर जाने के लिए? लेकिन कोई बोल रहे हैं कि पानी यहाँ तक घुटनों तक है, पता लगे। कोई बोल रहा है डूबेंगे, डूब जाएंगे उसके अंदर। कोई बोला डूब जाएंगे पूरा। चलो ठीक है, मतलब ये कुछ अलग ही है हमारा। मैं पहले आ चुका हूँ लेकिन जो मेरे दोस्त हैं ये पहली बार आए, कुछ अलग ही होगा अंदर जाके, मैं बताऊँगा। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। और इतनी तगड़ी चीज़ है ना कि आप अगर नेक्स्ट टाइम देहरादून आओगे और आपने ये जगह एक्सप्लोर नहीं किया तो आप डेफिनेटली उस जगह को जरूर एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। ये सारी पब्लिक है, ये लोग करके आ रहे हैं कि टाइम मतलब 2-2.5 घंटे आराम से यहाँ पर लगते हैं। आप अंदर जाइए, खूब अंदर जाइए, 2-2.5 घंटे लगते हैं। सारी पब्लिक ये लौट कर आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इतनी प्यारी जगह है, उसमें क्या बताऊँ। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं ये अंदर करके, उसके बाद सामने से यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर और अंदर हम गुफाओं के अंदर जाएंगे, ठीक है। वहाँ का भाई नज़ारा ही कुछ और, ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे लोग हैं, ये शायद अंदर से आ रहे कुछ जा रहे हैं, ये पूरा नज़ारा है। और हम लोग अब जाएंगे अंदर, ठीक है। हाँ मेरे भाई, हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि अंदर पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, शूज़ नहीं पहन के रहते, हमने स्लीपर पहन लिए। हाँ मेरे भाई रेंट पे लिए हैं, जो कि जिसके चार्ज है 20 रुपीज़ रहता है स्लीपर का चार्ज। अंदर जाओ, आप लेकर आओ, ठीक है। हम स्लीपर लेकर आए थे इसलिए हमने अलग से कोई स्लीपर नहीं है। इससे जाएंगे हम लोग अंदर और भाई अलग ही चल रहे हैं अंदर और चल के देखते हैं कैसा मज़ा आने वाला है। भाई क्या ठंडा पानी है यार, मतलब अलग ही भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। क्या भाई क्या नज़ारा है यार, सच में अंदर ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, क्या नज़ारा है। और ये सामने इस गुफा के अंदर हम लोग जाएंगे, मज़ा आने वाला है, मज़ा भाई मज़ा। ये नज़ारा देखिए भाई, ऊपर पहाड़, बीच में पानी, क्या सी है, मतलब नेक्स्ट लेवल, क्या बात है गाइस। दोनों साइड ये पहाड़, बीच में से रास्ता, क्या नजारा है भाई। गाइस जैसे कि रास्ता जा रहा है ना, ये मतलब अभी तो थोड़ा दिख रहा है, आगे जाके इतना लंबा है, इतना लंबा है कि हम इसका एंड ही नहीं कर पाएंगे। पिछली बार हम लोग गए थे, मतलब इसके अंदर गए थे हम, कहीं करीब मान लो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर गए थे, उसके बाद भी एंड नहीं होता, उसके बाद भी बहुत आगे रास्ता था। ये पूरा रास्ता आगे जाए चले जाएगा, अंदर बहुत अंदर है, जिसमें अलग ही मजा आता है। आगे जाके वाटरफॉल में ले गए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सारे लोग हैं
देखता कितना मजा ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ऊपर पहाड़ है, नेचुरल चीज है, नेचर से बनी है खुद। ये नीचे पानी, साइड से पहाड़, ऊपर आसमान। भाई क्या नजारा है देखो मेरे दोस्तों, ये रास्ता ये लोग हैं। अभी बहुत देर से हम लोग केव के अंदर चल रहे थे, ये रास्ता था ये पूरा। भाई अलग ही मजा है। और अब ये थोड़ी सी ओपन होने वाली है, आगे एक छोटा सा वाटरफॉल है, वहाँ पे लोग नहाते भी हैं। ठीक है, वहाँ पर हम अपने गांधी को लड़ाएंगे। येरा मेरा गांधी को लड़ाएंगे, इसका चेहरा देखो। मम्मी ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मतलब अगर आप लोग कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हो कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, आपको एक बार रॉबर्स कैंप ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ का एक्सपीरियंस ना आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप सोच सकते हो नॉर्थ साइड पहाड़ और बीच में पानी, क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, अलग ही नेक्स्ट लेवल। तो आगे चलते हैं आपको और आगे की व्यूज़ गाइस। मैं तो कह रहा हूँ ये पत्थर हवा में टिका हुआ है, अरे गिर गया तो। गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये नीचे यहाँ से हम लोग आए और उस साइड फिर ये वाटरफॉल है, यहाँ से हम लोग आए, ये आगे जाके वाटरफॉल है। हम लोग यहाँ के रास्ते से ऊपर आए और यहाँ पर अब इससे आगे और रास्ता है। ठीक है, इससे आगे जाएंगे और आगे खुला मैदान आएगा भाई, एक अलग ही नज़ारा है। आगे चलते हैं, अलग ही जगह है भाई। आगे चल रहे हैं, आगे चले। केविंग एक्सपीरियंस है यार, मतलब कहीं भी घुसो केव में बैंच, क्या मजे हैं यार। मुझे नहीं लगता आपको ऐसी जगह कहीं और आसपास देखने को मिलेगी। क्या एक्सपीरियंस है भाई, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, कहीं भी जाओ, सब तरफ पहाड़ी पहाड़, कहीं भी घुस जाओ केव में, क्या मजा है। अलग ही जगह है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा भाई, एक बार जरूर आइए। कितनी मशक्कत और मेहनत से हमारे दोस्त चढ़ रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ से आए भाई, वहाँ से यहाँ पर आते 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 हम यहाँ हमारे एक चढ़ गए फाइनली। पटी थोड़ी दी अब यहाँ पर हमें सामने दे, अब यहाँ पर हमें आगे से जाना है, इसके आगे जाएंगे वहाँ जाके भाई मजा आ जाएगा मजा। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, पहाड़ है, चट्टान है, बहुत स्लीपी रास्ते हैं, आपको ऊपर नीचे चलना पड़ेगा, इसी के सामने आप देख सकते हैं हम उस पर चढ़कर आए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत केयरफुली चढ़िए, आराम आराम से जाइए, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो आपको चोट लग सकती है, आपका पैर फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को नुकसान हो, तो ये ना करिए। बाकी यहाँ पर आकर खूब इंजॉय करिए, इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी। नॉर्मली हम गार्डन, मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस और ये चीज़ तो कवर करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलती कवर करने को, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर आइए, मज़े करिए, लेकिन केयरफुली। ठीक है दोस्तों, आपने कुरान की आयत तो पढ़ी होगी, फभी अय्य आला रब्बी को मातों का जीवान, आपने रब की कौन कौन सी नियमत झुटलाओगे। ये पहाड़, ये सब कुछ, ये कैसे टिके हुए हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर टिकी हुई हैं, कैसे टिके हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये चश्मा, ये पत्थर के अंदर ये चश्मा निकल रहा है, पत्थर के अंदर से। मेरा रब हर चीज़ पे कादिर है, वो पत्थर में से चाहे तो चश्मे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये मेरे रब की कुदरत है, इसीलिए कुरान की आयत है, फभी अय्य आला रब्बी को मातों का जीवान, आप अपने अल्लाह की, अपने रब की कौन कौन सी नियमत झुटलाओगे। यही सारा कुछ है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। यही नज़ारे यहाँ के, मज़ा आ रहा है, अंदर चलते हैं आपको और कुछ दिखाते हैं। तो ये अंदर से निकल निकल के हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये देखिए, ये बाहर निकल चुके हैं हम और ये चट्टानों में से पानी आ रहा है, क्या नज़ारे हैं भाई, मतलब क्या है यार। ये देखो सामने दोस्तों नज़ारे, क्या बात है, मतलब अलग ही जगह है, जैसे कि हमें हमने एक्सपेक्ट किया था, वही जगह है। एकदम पानी की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पानी देखते हो कितना साफ है भाई, कितना साफ पानी है भाई, मतलब अलग ही एकदम साफ है, क्रिस्टल वाटर है जो सामने से आ रहा है। आगे चलते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत आगे जाके, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हम दिखा देंगे कि जहाँ पर एक खुला मैदान आता है आगे जाके, जहाँ पर ये एक तालाब में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये पूरा रास्ता है यहाँ का,
अभी तक आगे कैफे फ्री बने हुए हैं इसमें, अंदर जाते जाएंगे आपको कैफे मिलते जाएंगे, और यहाँ पर कैफे में अगर कुछ आप खाते हो कुछ पीते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, जैसे कि वो कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं सामने, वो भी एक कैफे का ही पार्ट है, ये लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है कैफे की तरफ जा रहा है। आगे कैफे, उसके आगे फिर एक और कैफे, पीछे कैफे निकल गए, तो इसकी यही कुछ है। और ये पानी देखो इतना साफ है भाई, मज़ा है भाई, अलग ही है। और ये पहाड़ों के बीच में रास्ता जो कि अलग ही हमें एक्सपीरियंस देता है। कैफे ऊपर, कैफे कैंटीन बनी है, इसकी कुर्सियाँ नीचे ला के बैठते हैं और यहाँ पर खाना वाना खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना प्यारा मज़ा आने वाला है। ये भैया आलू दिखा रहे हैं, यहाँ पर बैठते हैं हम लोग, मैगी वगैरह आपको जो खाना है पानी के बीच में, अगर आप मैगी वगैरह खाते हो तो यहाँ पर बैठ के आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल है। ये उस साइड से हम आएँ, ये बीच में कैफे, ऊपर कैंटीन, इन्हीं की कुर्सियाँ बीच में लगी है। और इस साइड अगर हम जाएँगे तो आगे जाके हमें एक बड़ा मैदान देखने को मिलेगा। कहाँ चल रहा है गाइज, अब हम इस रॉबर्ट्स कैफ के काफ़ी मतलब आगे तक आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। उसके बाद केव ख़त्म हो जाती है और ये ओपन गार्डन आ जाता है, ओपन आ जाता है। ये आप देखिए, ये ओपन हो गया, यहाँ तक केव थी, ठीक है, उसके बाद ये ओपन में आ गया, इसके आगे पानी आ रहा है आगे, लेकिन केव नहीं है, ठीक है, आगे केव नहीं है, बस ये ओपनली है सारा कुछ, ठीक है, ये ओपन है। ये यहाँ पर मतलब काफ़ी कम लोग आते हैं, बाहर से लौट जाते हैं। ये ओपन हो गया, उसके बाद आगे से केव स्टार्ट हो जाती है, जो हम एंड करके पहले आ चुके हैं भाई। रॉबर्ट्स कैफ का एंड करें कैसा लग रहा है? एंड हो गया, एंड हो गया, अभी ओपन आ गया ना ऊपर, कैफे नहीं है ना भाई, बस यहाँ तक केव थी, यहाँ तक, उसके बाद ये सारा ओपन में हो गया, उसके बाद केव नहीं है। आगे हो तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अब नहीं। तो गाइस, रॉबर्ट्स कैफ पूरा कवर करके आ गए, इतना अल्टीमेट एक्सपीरियंस आया ना हमारा, जिसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरा यही कहना है कि आप आइए देहरादून, आइए रॉबर्ट्स कैफ कवर करिए। अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले देहरादून आइए, आना ही पड़ेगा आपको, देहरादून से मसूरी जाओगे देहरादून आइए। और अगर आप देहरादून आते हो तो रॉबर्ट्स कैफ ज़रूर कवर करिए, बहुत अलग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। कि हमारे भाई इस साइड भाई कैसा रहा, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहा है। आप आइए कवर करिए, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यही था आज के इस ब्लॉग में, जो हमने बताया रॉबर्ट्स कैफ कुछ चुक पानी के बारे में। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियोस वगैरह पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो फैज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।